गुड इवनिंग टू एवरीवन। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश। जो बिहार बोर्ड इंग्लिश का ए पिंच ऑफ स्नफ जो मनोहर मालगोनकर द्वारा जो लिखा गया कहानी है, इसके मैं लेक्चर नंबर 1st का चर्चा कर रहा हूँ। हर एक चैप्टर में 4 लेक्चर आता है, मेरे द्वारा दिया जा रहा है। तो ये पिंच ऑफ स्नफ का लेक्चर नंबर 1st होगा, जो वर्ड मीनिंग का होगा। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन स्टडी वेरी वेरी केयरफुली, तभी आपका जो सपना है 12th का या आपका बेटर होगा। क्योंकि मैं मानता हूँ वर्ड मीनिंग इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश मीनिंग पे ही डिपेंड करता है। अगर आपको मीनिंग नहीं आता तो अर्थ निकलेगा नहीं। चलो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे YouTube चैनल लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है YouTube चैनल कंप्लीट इंग्लिश क्लासेस बाय चित्रंजन कुमार। और जो ये पिंच ऑफ स्नफ का वर्ड मीनिंग रहेगा, जो चैप्टर नंबर 3rd रहेगा, लेक्चर नंबर 1st उसका है। और कोई हमसे अगर जुड़ना चाहेंगे तो आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे भी। मैं नंबर लिख देता हूँ TELEGRAM, टेलीग्राम का होगा नंबर होगा 9473567276। आप इसमें जुड़ेंगे तो क्या होगा, हम हर एक चीज़ का कॉन्टैक्ट आपको ईजिली प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। और सबको पता ही होगा 9 PM सब क्लास स्टार्ट हो चुका है। 2 दिन ग्रामर का है, 2 दिन स्पोकन का है, 2 दिन ट्रांसलेशन का है। एक अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू हो जाता है इसलिए नहीं हो पा रहा है। बट ये बात को मान के चलेंगे क्लास इसी टाइम में चलेगा। 10 PM से आपको क्लोज टेस्ट का चलेगा। और स्टडी विथ मी ये 3 AM to 5 AM का जो मॉर्निंग क्लास होता है ये भी चलते रहेगा। तो अपने अपने सुविधा अनुसार सब लोग जुड़ते रहेंगे। और हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, आप अपने वैसे भी लोग तो भेजें जिनको ज़रूरत हो, बट टोटली डिपेंड ऑन यू, ये आपके भी निर्भर करेगा उन्हें वहाँ तक आप पहुँचाते कि नहीं। बट मेरे तो कोई फर्ज पूरी है कि आपको वहाँ पर पहुँचाना ही है। इट्स वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप सेंड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1st मीनिंग था आज का क्रेडिट। क्रेडिट मतलब होता है श्रेय देना। क्रेडिट मतलब किसी को श्रेय देना, काम कर दे उसको क्या कर दे कि तुमने मेरे लिए ऐसा कर दिया, क्रेडिट कर दिया, श्रेय दे देना, मतलब तारीफ करना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है कॉन्टेम्प्रोरी है। कॉन्टेम्प्रोरी मतलब होता है आधुनिक अर्थात मॉडर्न। नेक्स्ट है वीट। वीट बना होता है बुद्धि। वीट बना होता है बुद्धि। मैं बहुत ही स्लोली पढ़ता हूँ ताकि आपको पढ़ते वक्त दिक्कत ना हो। नंबर 4 है एडवेंचर। एडवेंचर मतलब होता है साहस। एडवेंचर मतलब होता है साहस, ऐसे कॉरेज भी होता है। नंबर 5 है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बनेगा सही सही अर्थात शुद्ध शुद्ध। नंबर 6 है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब होता है गहरा। नंबर 7 है नैरेटिव। नैरेटिव मतलब होता है वर्णात्मक अर्थात व्याख्या करना, नैरेट करना, व्याख्या करना। नेक्स्ट है सुख। सुख मतलब हिलाना, सुख मतलब हिलाना है, ढीला भी कर सकते सुख। नेक्स्ट है और आपसे एक इन्फॉर्म कर दूं कि आपको एक स्पीच जो कि 15 अगस्त पर हम सेंड करेंगे, अगर वैसे लोग जिनको कहीं बोलना होगा तो इस स्पीच को बोल सकते हैं, मेरे द्वारा लिखा गया रहेगा। क्योंकि ए डिमांड ऑफ माय स्टूडेंट्स, एक
मेरे स्टूडेंट का डिमांड आया है कि सर हमें एक लेटर दिया जाए अर्थात स्पीच दिया जाए जिससे कि मैं बोल सकूँ इंग्लिश में, तो उसको भी सेंड कर दूँगा, पीडीएफ में भी सेंड रहेगा, दोनों में सेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑलरेडी। ऑलरेडी मैंने होता है पूरी तरह से, पूरी तरह से। नेक्स्ट है बिसाइड्स। बिसाइड्स मैंने इसके अलावे, इसके अलावे। नेक्स्ट है रीअश्योरिंगली है, यथात क्या है रीअश्योरिंगली, क्योंकि यहाँ तक है रीअश्योर है और आई एन जीरो जो है रीअश्योरिंगली मैंने तो आश्वस्त करते हुए, अर्थात किसी को आश्वासन देना, कॉन्फिडेंस देना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉयल। नेक्स्ट है लॉयल। लॉयल मैंने होगा सच्चा। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स, सी ओ एम पी एल ई, कॉम्प्लेक्स जटिल। नेक्स्ट है प्रोबेशन, पी आर ओ बी ए टी, प्रोबेशन मैंने होगा परक अर्थात जांचना। नेक्स्ट है आर ई जी ए, रिगार्ड मैंने होगा प्रणाम करना, किसी को इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, प्रणाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट है इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव मैंने होगा प्रभावित, प्रभावित करना किसी को। नेक्स्ट है मोस्टेज है, मोस्टेज में होता है मूछ। नेक्स्ट मीनिंग है विस्पर्ड, डब्ल्यू एच आई एस पी आर ई डी। विस्पर्ड में होता है काना फूसी करना अर्थात गपशप करना, हल्के हल्के आवाज में काना फूसी करना। नेक्स्ट है एपोलॉजी। एपोलॉजी मैंने होता है क्षमा। नेक्स्ट है ड्राउंड। ड्राउंड मैंने होगा मगन अर्थात डूबना होता है, मगन मतलब डूबना, ड्राउंड। ड्राउंड। नेक्स्ट है इमिनेटिंग है, निकलना। इमिनेटिंग में निकलना होगा। और जो नेक्स्ट है अस्ट्रफ्ट लिखल था, इसका ये तो नाउन है, इसका मीनिंग नहीं होगा। देखिए बाय मिस्टेक जब कलेक्शन कर रहा था तो लिखा गया था, इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। नेक्स्ट है डक्ड, डी यू सी के डी। डक्ड बना होगा दूर रखना या भूलना। नेक्स्ट है मिंगल्ड। मिंगल्ड बना होगा मिला हुआ। अस्क्विज्ड, 25 में है अस्क्विज्ड, दबा, अस्क्विज दबा देना, दबा। नेक्स्ट है इमर्ज्ड। इमर्ज्ड मैंने होगा बढ़ना या उभरा। नेक्स्ट है एस्कॉर्टेड। एस्कॉर्टेड मैंने होगा सहचर या रक्षा करना, सहचर साथी भी कहते रक्षा करना। और नंबर 8 में है फॉनिंग। फॉनिंग मैंने होगा चापलूस अर्थात किसी का बटरिंग करना, चापलूस। तो सबसे अनुरोध रहेगा आप अधिकतर शेयर कर दें, जिनको ज़रूरत हो उनको भी क्या हो फ़ायदा मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इशू। इशू मैंने होगा विषय। नंबर 30 है एक्सप्लेन्ड। एक्सप्लेन मैंने बताया या व्याख्या भी करना, कर सकते हैं बताया या व्याख्या। उसके नेक्स्ट है इवेन। इवेन मैंने जब। नेक्स्ट है सो डैट। सो डैट मैंने ताकि होता है। नेक्स्ट है ट्रबल। ट्रबल मैंने परेशान। नेक्स्ट है परहैप। परहैप मैंने होगा शायद। नेक्स्ट है फ्रैंकनेस। फ्रैंकनेस मैंने था मुँह फटफटा था तो फ्रैंकनेस नहीं होता, जो एकदम बिना है विदाउट हेजिटेशन टू स्पीक एनीथिंग या टेल एनीथिंग अर्थात बिना सोचे एकदम बोलते रहे, फ्रैंकनेस।
नेक्स्ट है मेयरली, मेयरली मैंने केवल। नेक्स्ट है राधर, राधर मैंने होगा बल्कि, बल्कि होगा। डेलिकेटली, डेलिकेटली मैंने होगा कुशलतापूर्वक, कुशलतापूर्वक। कुशलतापूर्वक हो जाएगा डेलिकेटली मतलब। नेक्स्ट देखेंगे पक्कर है, पीयूसी पक्कर बनेगा सिकुड़ना। नेक्स्ट है आईब्रो, आईब्रो मैंने भाव। नेक्स्ट है सी एल सी क्लक मैंने आवाज, आवाज निकलना क्लक। नेक्स्ट है सेवरल, सेवरल मैंने बहुत। नेक्स्ट है पीटी है पी आई टी, पीटी मैंने दया, पीटी मैंने दया। नेक्स्ट है व्रेत है डब्ल्यू आर ई टी, व्रेत मैंने घेरना। क्या होगा व्रेत मैंने घेरना होगा। नेक्स्ट है एस क्यू यू वी, एस क्यू एल मैंने होगा, एस क्यू एल मैंने होगा भेद खोलना, अर्थात हर एक चीज़ को पर्दाफाश कर देना। नेक्स्ट है फूस, ये फिर फूस है, इसको डेलक फंस ही पड़ते लेकिन फूस है बात का बतंगड़ बना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। फूस बना का बात का बतंगड़ था, कोई बात किया उसको बात का बतंगड़ बना दिया। नेक्स्ट है मबलिंग है बड़बड़ाना, अर्थात बिना किसी का बोलते रहना बड़बड़ाना। नेक्स्ट है डेयर, डेयर मैंने साहस, डेयर मैंने साहस। नेक्स्ट है हैपेंड, हैपेंड मैंने हो गया या घटना भी से कहा जा सकता, हैपेंड हो गई घटना भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेंट, स्पेंट मतलब होगा थका हारा या बिताना भी कह सकते, बिताना। नेक्स्ट है ट्रैम्प, टी आर एम पी, ट्रैम मैंने होगा पैदल यात्रा। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट मैंने होगा नियुक्ति। नेक्स्ट है एक्स प्लेंटिव, एक्सप्लेंटिव मैंने होगा अपशब्द बोलना, अर्थात वैसा वर्ड बोलना जिसको अच्छा भी ना लगे सुनने में अपशब्द। नेक्स्ट है गार्निश है, गार्निश सजाना जिसे वेल मैनर्ड। नेक्स्ट है फ्लैश, फ्लैश मैंने होगा चमकना। नेक्स्ट है ब्लेयर, बी एल ए आर, ब्लेयर मैंने होगा शोर मचाना। नेक्स्ट है अनइंटरप्टेड मतलब लगातार बिना रुके हुए लगातार। नेक्स्ट है रूड, आर यू रूड मैंने होगा शिष्ट मैंने अभद्र लोग। नेक्स्ट है यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया है लिखते वक्त, क्योंकि हम यहाँ पे जो मीनिंग लिखे हैं कन्वर्सेशन का मीनिंग संवाद करना होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कंजर्वेशन, सी ओ एन ए सी आर वी ए टी आई ओ एन, कंजर्वेशन मैंने होता है बाबू संरक्षण करना होगा। इट इज़ माई मिस्टेक, ये मेरी तरफ से गलती है, इसलिए सब लोग आप सुधार लेंगे। जो संवाद लिखा हुआ है उसका होता है कन्वर्सेशन का मीनिंग संवाद होता है, कंजर्वेशन मैंने कहा था संरक्षण, अर्थात जो मीनिंग लिखा हुआ है उसका होगा संरक्षण, और संवाद का भी मीनिंग आप समझ लेंगे। लिखा हुआ है गलत तो सी ओ एन वी ई आर एस आई ओ एन, कंजर्वेशन मैंने कन्वर्सेशन मैंने संवाद, क्या होगा संवाद।
तो सब लोग एकदम ध्यान से इसको याद करेंगे, क्योंकि मैं बार बार आपको फोकस करता हूँ ऑफलाइन में भी, और वैसे बच्चे जो हमसे नए बार जुड़ रहे हैं वो भी ध्यान रखेंगे इस बात को मेरे मित्र, कि वोकैबुलरी इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। जब तक आपको वोकैबुलरी याद नहीं होगा, वर्ड मीनिंग याद नहीं होगा, तो आप अंडरस्टूड नहीं कर सकते किसी चीज़ों को। इसलिए सब लोग ध्यान से एकदम मीनिंग को याद करते रहें, इसीलिए मैं अलग से भी इसे बना दे रहा हूँ आप लोग के लिए। नेक्स्ट है कैटेगरी CATGO, कैटेगरी मैंने होगा वर्ग। देखिए आप कौन सा कैटेगरी में हैं। नेक्स्ट है जर्क JER, जर्क मैंने होगा मूर्ख या झटकना। नेक्स्ट है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा होगा असाधारण। नेक्स्ट है टर्बन मैंने पगड़ी। फिर ऑफ कोर्स मैंने होगा निसंदेह, बेशक बिना डाउट का, निसंदेह एकदम क्लियर बात है। कॉशन CAUTION, कॉशन मैंने होगा सावधान। नेक्स्ट है पोलाइटली मैंने होगा विनम्र। नेक्स्ट है ट्रेल्ड ऑफ, पिछड़ना। नेक्स्ट है सेल्डम, कभी कभार मैंने रेयर केस में दिखने वाला चीज़ है। नेक्स्ट है प्रीवियस मैंने होगा पिछला। नेक्स्ट है अनहरिड है, अनहरिड मैंने होगा धैर्यवान, अर्थात वैसे जो पेशेंस वाले हो, पेशेंस धैर्य। तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं रहा होगा अभी तक में मीनिंग समझने में, किसी का प्रोनाउंसिएशन करने में, आप लोग ध्यान से प्रोनाउंसिएशन करें, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा लाइन बाई लाइन पढ़ देंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारी एक ही मोटिव है, इट इज़ माई फर्स्ट एंड लास्ट मोटिव, ये मेरी पहली और आखिरी मोटिव है, अर्थात इच्छा भी कर सकते हैं, डिजायर भी कर सकते हैं, कि आप बेहतर इंग्लिश सीख सकें, ताकि गर्व हो हमें भी। जब आप हमें कभी कहें कि मैं कंप्लीट इंग्लिश क्लासेस से मैं सीखा हूँ या चितंजन सर से सीखा हूँ, तो हमें भी क्या होगा, अच्छा लगेगा। तो सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ध्यान से पूर्वक पढ़ें, आप मेहनत करें, और वैसे भी अभ्यर्थी हैं, वैसे विद्यार्थी हैं, वैसे एक्सपीरियंस हैं, जो जिनको मॉर्निंग में जगना परेशानी होता है, तो हमारे चैनल को फॉलो करें, और आप इजीली सीख सकते हैं कि सुबह कैसे जागा जाए। अगर मैं अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर टाइम बता दूँ आपको, तो 10:30 हो चुका है। अगर 3 बजे से लाइव हमको लेना होगा, तो उसके पहले हमारी भी अपनी जीवन का नित्य कर्म होता है, मेडिटेशन करना होता है, स्नान भी करना होगा, और 3 बजे से क्लास भी होगा। अर्थात आप सोच सकते हैं कि इतने देर में मैं कैसे मैनेज करता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे हो जाएं, आप लोग का नॉलेज बढ़ जाए, अपने क्षेत्र में मुकाम पे पा जाए, यही हमारी सेटिस्फैक्शन होगा। तो सबसे अनुरोध रहेगा कि आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट मीनिंग क्यों चलते हैं अब। गर्गल है GURGLE, गर्गल बनोगा गड़गड़ाना। नेक्स्ट होगा हॉटी HAUGHT, और हॉटी बनोगा घमंडी। नेक्स्ट है सिक्रेटरी SECRETAR, सिक्रेटरी बनोगा सचिव। अनयूजुअली बनोगा असामान्यता। नेक्स्ट होगा स्वेलो SWELLOW, स्वेलो मैंने होगा घबराना। नेक्स्ट है ड्रैग DRAG, ड्रैग मैंने घसीटना। नेक्स्ट है इन्वॉल्व्ड INVOLVED, इन्वॉल्व होगा शामिल करना। नेक्स्ट है वैडलिंग WADDLING, वैडलिंग मैंने लड़खड़ाना।
फिन है ए से डबल सी एच ए आर सैक्रीन है। सैक्रीन माने अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवहार। नेक्स्ट है कटर्सी है सी ओ ई वाई टी एस वाई, कटर्सी माने होगा कृपा। सीजनड है, सीजन माने होगा अनुभवी, सीजन जो मौसम होता है इसमें डी लगा, सीजन में अनुभवी। नेक्स्ट है कैंपेनर, कैंपेनर माने होगा अभियान चलाना अर्थात मुहिम चलाना। नेक्स्ट है बस्टल, बस्टल माने होगा हलचल। नेक्स्ट है एस्पैरेड, एस्पैरेड होगा बातचीत। नेक्स्ट है इनग्रेटिएट, इनग्रेटिएट में अनुग्रह प्राप्त करना अर्थात अनुग्रह किसी का वरदान प्राप्त करना, अनुग्रह प्राप्त करना। जी आर आई एन ग्रीन माने होगा मुस्कुराहट। कंसर्न है सी ओ एन सी, कंसर्न होगा संबंध या मुद्दा, विषय भी कह सकते कंसर्न है तो। नेक्स्ट है लेजिटिमेट होगा, लेजिटिमेट उचित होगा या वैध। डिजर्व, आई एम डिजर्व, मैं क्या हूँ आपके लायक हूँ ऐसे कहा जा सकता है, डिजर्व एंड लायक। कॉजवली है सी सी ए एस यू ए, कॉजवली बने अकस्मात से अर्थात रैंडम। नाइन्टी फर्स्ट है वेलफेयर, वेलफेयर में कल्याण होता है ऐसे अच्छा भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है वैनिश्ड, वैनिश्ड में मिटाना, ग्लैड मतलब खुशी। नेक्स्ट है इनग्रेटिट्यूड है अकृतज्ञता अर्थात जिसको मैंने कि आभार प्रकट न करना कहिए, ऐसे ग्रेटिट्यूड माना होता है कृतज्ञता होता है, लेकिन इन ग्रेटिट्यूड अर्थ अकृतज्ञता था अर्थ किसी का आभार प्रकट न करना अर्थात किसी का अपमान करना कह सकते हैं एक सेंस में। नेक्स्ट फ्रेज है एट ड्रैगर्स ड्रॉन माने झगड़ा। नेक्स्ट है प्रपोजल है, प्रपोजल माने प्रस्ताव। अस्नॉट, अस्नॉट माने होगा फटफटाना। ऑस्पिशियस ए यू एस पी आई सी आई ओ, ऑस्पिशियस माने होगा शुभ। नेक्स्ट है डिसग्रेसफुल, डिसग्रेसफुल माने होगा शर्मनाक। सुपीरियर हो गया, सुपीरियर माने बढ़िया। सुपीरियर के नेक्स्ट है पार्क, पी ओ आर सी, पार्क माने होगा बरामदा। नेक्स्ट है सी चिरपी, सी एच आई आर पी ओ, चिरपी माने होगा प्रसन्न। नेक्स्ट है लिवरीड है एल आई वी आर, लिवरीड माने होगा वर्दीधारी, वैसे जो वर्दी पहनते हो। फिर है कॉफर, सी एच ए यू डबल एफ ई, कॉफर माने होगा मोटर चालक। नेक्स्ट है एक्विटेंस, एक्विटेंस माने होता है परिचित। नेक्स्ट है इनॉर्मस, ई एन ओ आर एम ओ, इनॉर्मस माने होगा बड़ा। नेक्स्ट है ओ यू टी एल ए एन डी आई एस एच, आउटलैंडिश माने होगा विचित्र। नेक्स्ट है प्रोसेशन, प्रोसेशन प्रोसेशन में जुलूस। नेक्स्ट है ब्रिजली है बी आर डब्ल्यू जेड आई, ब्रिजली मैंने कहा प्रसंचित ढंग से। नेक्स्ट है जेन्युइन, जेन्युइन होता वास्तविक अर्थात रियलिटी। टाउट, टाउट मैंने होता दलाल। नेक्स्ट है
बी ए आर एल बियरली बना होगा मुश्किल से। नेक्स्ट है रस, आर यू एस रस माने आगे बढ़ना। अच्छा रस में भीड़ भाड़ भी होता है लेकिन रस माने आगे बढ़ना की बात कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है टर्बन, टी आर बी एन टर्बन है पगड़े। नेक्स्ट है डेमोनस्ट्रेशन है प्रदर्शन। नेक्स्ट है पडल, पी यू डबल डी एल पडल में होगा कीचड़। नेक्स्ट है हेरिडेटरी, हेरिडेटरी में वंशानुगत। नेक्स्ट है रिगली है आर ई जी डबल रिगली में होगा राजा की तरह, वी हैव लाइक किंग। नेक्स्ट है फॉर्मल, फॉर्मल है औपचारिक माने अच्छा कही औपचारिक। नेक्स्ट है पियर, पी डबल पियर मैंने होगा ताकना या देखना। और नेक्स्ट है मिशन, एम आई डबल एम मिशन मैंने होगा कार्य लक्ष्य, कार्य या लक्ष्य। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन और माय विशेस विथ यू फॉर ऑल माय कलीग एस्पिरेंट्स एंड दिस चैनल वेलकम टू एवरीवन। ये चैनल सबको स्वागत करता है, आप बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहें और ये चैनल आपके साथ लगातार आपको शुभकामनाएं देते रहेगा। आप पढ़ें और वैसे कोई अभ्यर्थी हैं जो कोई स्पीच देना चाहते हैं इंडिपेंडेंट डे पे तो मैं आपको कल एक वीडियो बना देंगे और पीडीएफ में भी आप प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको मेरे चैनल का कम्युनिटी पोस्ट जाना होगा, कम्युनिटी पोस्ट में इजीली मिल जाएगा आपको। नहीं तो ऐसे लोग जो व्हाट्सएप प्रोवाइड करेंगे तो उनको भी वहाँ भी दे दिया जाएगा या टेलीग्राम में भी दे दिया जाएगा। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन टू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।